Hello, NEET UG aspirants and future doctors. Welcome to NEET UG Guidance YouTube channel. NEET UG Guidance is the one-stop solution provider for all your queries related to NEET UG counseling procedure and admission process. नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नीट गाइडेंस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कर्नाटका के ओपन कैटेगरी की जो फर्स्ट राउंड के लिए जो कट ऑफ निकली है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से कॉलेज की कर्नाटका में हाईएस्ट कट ऑफ गई है और कौन से कॉलेज की लोएस्ट कट ऑफ गई है और लोएस्ट कट ऑफ आने के पीछे क्या रीज़न है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ गया है अंडर ओपन कैटेगरी का, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर के लिए जो एक माइनॉरिटी रिलीजियस है क्रिश्चियन के लिए, उसका कट ऑफ गया है। ये सारी क्लोजिंग रैंक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। 6490 क्लोजिंग रैंक इसकी गई है। MS रमैया मेडिकल कॉलेज जो बेंगलोर में है, इसकी 11567 गई है। कैंपे गोबड़ा मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रैंक गई है 13393, यानी 13393। वैदही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बेंगलोर में है, लिंग्विस्टिक तेलुगु है, इसकी जो रैंक गई है वो 14040 गई है। डॉक्टर BR अंबेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 14532। सप्तागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, लिंग्विस्टिक कोडावा है, इसकी क्लोजिंग रैंक 14552 गई है। फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर माइनॉरिटी रिलीजन है क्रिश्चियन का, 14745 गई है। MVJ मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, लिंग्विस्टिक तमिल है, इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 15870। महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज HKE सोसाइटीज गुलबर्गा, इसकी गई है 15951। BGS ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर की अगर हम बात करें 16196 गई है। AJ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंगलोर में, लिंग्विस्टिक तुलु है, इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 16556। सुभैया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा, लिंग्विस्टिक तेलुगु है, इसकी क्लोजिंग रैंक गई 16706। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर जो बेंगलोर में है, इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई है वो 17050 गई है। ईस्ट पॉइंट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर जो बेंगलोर में है, इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 17989। JJM मेडिकल कॉलेज देवनगिरी अगर बापूजी मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसका क्लोजिंग रैंक गया है 18387। श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मैंगलोर, लिंग्विस्टिक तुलू है, इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 18504। द ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, लिंग्विस्टिक तेलुगु है, इसकी गई है 18771। अलामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर में है जिसका रिलीजियस मुस्लिम माइनॉरिटी है, उसकी गई है 19127। श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल तुमकुर में, इसका क्लोजिंग रैंक गया है 19619। SS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवनागरी में है जो, इसका 19753 गया है। कांचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो मैंगलोर में है, रिलीजियस मुस्लिम है, इसकी क्लोजिंग रैंक गई है 20007। S निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज बागलकोट में, इसका क्लोजिंग रैंक गया है 20106 गया है। नवोदिया मेडिकल कॉलेज रायचूर में, लिंग्विस्टिक तेलुगु है, 20185 गया है। श्री बासव सेवेरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्गा में है, इसका जो क्लोजिंग रैंक गया है 20395 गया है। KVG मेडिकल कॉलेज सुलैया में जो है, इसका जो क्लोजिंग रैंक गया है 20510 गया है। खाजा बांदा नवाज मेडिकल कॉलेज S बुर्गा, रिलीजियस मुस्लिम, इसका लोएस्ट का कट ऑफ गया है 33340। एंड SDM मेडिकल कॉलेज धरवार माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक तुलु है, इसका 39012 गया है। और अदी चुनचुंग चांगरी की अगर मैं बात करूं तो मेडिकल कॉलेज बेल्लूर में है, इसकी 47611 है। ये तीन कॉलेज, केवल ये तीन ही कॉलेज हैं जिनकी लोएस्ट कट ऑफ गई है, और इसके पीछे का रीज़न इसका फीस स्ट्रक्चर है। बाकी के कॉलेज जो मैंने आपको डिस्क्राइब करे हैं यहाँ पर, इनकी जो तकरीबन फीस है 7 से 7.5 लाख के लिए है, लेकिन ये जो तीन कॉलेज हैं इनकी जो फीस है वो 16 से 17 लाख के बीच में पड़ जाती है। खाजा बांदा नवाज मेडिकल कॉलेज जो गुलबर्गा में है, इसकी जो फीस है वो 16 लाख रुपए है। अदी चुनचांगरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस तकरीबन 17 लाख रुपए है। केवल यही रीजन है कि इनका फीस स्ट्रक्चर इतना हाई है, इसी वजह से इन तीन कॉलेज की जो कट ऑफ है वो लो गई है।
ये रहा 2019 के लिए पहले राउंड के लिए कर्नाटका का ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक का कट ऑफ। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं www.neetugguidance.com और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-313-3989 पर। यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट सीट अलॉटमेंट। एक प्रोसीजर होता है चॉइसेस करने के लिए जहां पर कैंडिडेट को चार चॉइसेस दी होती है जिनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, तो आप इन सबको केयरफुली रीड आउट करें। इसमें जो चॉइस वन की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि जो सीट अलॉटमेंट मुझे हुई है मैं उससे सेटिस्फाई हूं और मुझे किसी भी फर्दर अलॉटमेंट के लिए कंसिडर ना किया जाए। मैं प्रिस्क्राइब फीस KEA की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू दूंगा, नेफ्ट के द्वारा, RTGS के द्वारा और ई चालान के द्वारा दूंगा और KEA की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद वहां पर रिपोर्ट करूंगा कि मैंने ये कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद कॉलेज अथॉरिटी कॉलेज लॉगिन आईडी में रिपोर्ट कर देगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट ने कॉलेज को ज्वाइन कर दिया है। लेकिन अगर KEA की वेबसाइट पर जाकर आपने रिपोर्ट नहीं करा या किसी वजह से आप फेल हो गए कि मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं करा है, तो आपका वहां पर जो ज्वाइनिंग है वो कैंसिल हो जाएगा, चाहे आपने वहां पर फिजिकली ज्वाइन कर लिया हो। KEA वेबसाइट पे जो टाइम फीस दी हुई है, जो पर्टिकुलर टाइम दिया है, आपको उसी दिन जाकर आपको फीस पेमेंट करना होगा, अदरवाइज आपकी सीट वहां पर कैंसिल हो जाएगी। पर अगर इम्प्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो पर्टिकुलर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा आने वाले राउंड्स को लेकर। चॉइस टू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अपनी दी गई जिस पे वो अलॉटेड हुआ है उससे सेटिस्फाई है, लेकिन वो नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो कैंडिडेट प्रिस्क्राइब फीस देनी पड़ेगी उसको चालान के थ्रू। अगर उसको कोई हायर अपग्रेड के लिए अप्लाई करेगा, अगर उसको कोई हायर ऑप्शन मिल जाता है तो उसको वो वाली सीट अलॉट हो जाएगी और पहली वाली सीट रद्द हो जाएगी। लेकिन अगर उसके पास कोई हायर ऑप्शन नहीं आया तो वो पहली चॉइस पे ही कैंडिडेट को रिमेन रहना पड़ेगा, यानी उसे वही चॉइसेस का अलॉटमेंट लेना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है कि जो एलिजिबल जो पार्टिसिपेंट होगा वो सब्सिक्वेंट राउंड पे सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर उसको अपग्रेडेशन नहीं मिलता है, कोई फ्रेश कॉलेज नहीं मिलता है, तो उसको पहली वाली ही चॉइस पर ध्यान देना होगा। पहला जो कॉलेज उसको अलॉट हुआ है वहीं पर जाकर उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। चॉइस थ्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पर्टिकुलर कैंडिडेट को लिखना पड़ेगा कि मैं अलॉटेड सीट से सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी जो पहले उसको सीट अलॉट हुई है, उस सीट को उसे सरेंडर करना पड़ेगा। पर जो इम्प्लीकेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एलिजिबल पार्टिसिपेट है वो सेकेंड राउंड में जाना चाहता है लेकिन पहली सीट को छोड़ने के बाद। यहाँ पर चॉइस फोर है कि मैं दी गई हुई जो अलॉटेड सीट मुझे जो मिली है मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ और मुझे KEA के द्वारा जो अलॉटेड की गई जो सीट है उस पर तो सेटिस्फाई नहीं हूँ, साथ ही साथ मुझे यहाँ पर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो जो पहले सीट उसको अलॉट करी जाएगी उसे वो सरेंडर कर दी जाएगी, वो दूसरे को मिल जाएगी और यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर वो किसी भी राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है और ना ही उसके लिए यहाँ पर कोई सीट होल्ड में रखी जाएगी। तो जितनी भी चॉइसेस हैं यहाँ पर पर्टिकुलर कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान से पढ़े, केयरफुली पढ़े, उसके बाद ही अपनी चॉइस को फिल करें। यहाँ पर जितनी भी हमने चार चॉइसेस के बारे में बात करी, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है चॉइसेस के लिए या फिर चालान के लिए या फिर पेमेंट के लिए, तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को उनकी वेबसाइट पे जाना चाहिए। वेबसाइट पे जाकर ही ये सारे के सारे चेंजेस होंगे, वहाँ के किसी भी हेल्पलाइन सेंटर पे जाके नहीं होंगे। उनकी वेबसाइट है www.keea.kar.nic.in। नीट 2019 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, All State Quota Counseling for Government, Private, Deemed, Central Universities, AFMC, ESIC, Medical and Dental Colleges, Latest Updates Regarding Registration and Online Application Process, Notifications, Last Dates, Counseling Process, Admission Procedure, Choice Filling, Visit our website www.neetugguidance.com and call our toll-free number 1-800-313-3989. If you want to know college-wise, category-wise detailed cutoff under All India Quota, State Quota, Management Quota and NRI Quota, visit our website www.neetugguidance.com and call us to helpline number 1-800-313-3989.
If you like this video and want to see more videos like this, don't forget to press the subscribe button and the like button given below. And do press the bell icon to get the notifications of the latest videos. Thank you.